कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा भजन, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। इस भजन को आज हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान तरीके से मैं इस भजन को आपको सिखाऊं, और स्केल भी हमने इसका रखा है पहला काला, ताकि जो बिगिनर है वो बिल्कुल आसानी से बजा सके। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको बजा सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेंगे तो बहुत आसानी से इस भजन को अच्छे से गा सकते हैं, साथ में प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस भक्ति लेसन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अच्छे अच्छे भजन के लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहें। आइएगा देख लीजिए, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें स्वर कौन कौन से प्रयोग होंगे। स्केल हमारा है सी शार्प माइनर कॉर्ड है इसका, ठीक है, सा रे और दोनों गा का इसमें यूज होगा। ठीक है, कोमल गा भी और शुद्ध गा भी, मा पा और हल्का सा एक जगह तीव्र मा भी यूज होगा, और धा, बस यहां तक के स्वर इसमें यूज होगा। ठीक है, अब देखिएगा जो पहली लाइन है वहीं से। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये पहली लाइन है। ठीक है, अब सा से ही शुरू हुई है, कन्हैया कन्हैया। अब देखिए दो बार कन्हैया है, दोनों अलग तरह से बोला गया, पहला कन्हैया अलग तरह से बोला गया, दूसरा अलग। कन्हैया कन्हैया, समझ लीजिए, कन्हैया कन्हैया, ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, पहला कन्हैया नॉर्मल है, दूसरा थोड़ा जल्दी में है। ठीक है, कन्हैया कन्हैया, ठीक है, नोटेशन है इसका, सा 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 सा, सा 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 सा, कन्हैया कन्हैया। ठीक है, तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, सा सा नी सा रे सा नी नी, सा सा नी सा रे सा नी नी, तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। अब ये लाइन देखिएगा, वचन गीता वाला, वचन गीता वाला, नी नी सा रे 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 सा, वचन गीता वाला, नी नी सा रे 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 सा, वचन गीता वाला, नी नी सा रे 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 सा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, रे मगा रे सा सा सा, निभाना पड़ेगा, रे मगा रे सा सा सा। अब दोनों लाइन एक साथ देख लीजिए, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ इसका स्थाई। अब देखेंगे इसका एक म्यूजिक पार्ट, आइएगा अब देखते हैं इसका एक म्यूजिक पार्ट। अब जो म्यूजिक पार्ट है ये प्राइवेट पार्ट मैंने तैयार किया है बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए, तो देखिएगा पार्ट है, ध्यान से देखिए एक बार फिर, सा
इसके बाद आपको स्थाई बजाना है कि म्यूजिक पार्ट की जगह, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अब जो आप स्थाई बजाएंगे उसमें आप कोमल गा यूज नहीं करेंगे, शुद्ध गा यूज करेंगे। अब देखेगा किस तरह से, मैं पहले म्यूजिक पार्ट बजाता हूँ फिर स्थाई। शुद्ध गा के साथ और कॉर्ड बन जाएगा फिर मेजर, और मेजर कॉर्ड बनने के बाद फिर आपका अंतरा शुरू होगा, अंतरा भी आपका शुद्ध गा से शुरू होगा, और अंतरा है गोकुल में आया मथुरा में आया, पहली लाइन गोकुल में आया मथुरा में आया, गा 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 रे सा सा, गोकुल में आया मथुरा में आया, गा 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 रे सा सा। ठीक है भाई, इसका एक अंदाज है अलग थोड़ा सा, और क्या गोकुल में आया मथुरा में आया, गोकुल में हा गोकुल पा मा पा, अब यहाँ तीव्र मा यूज हुआ है, पा मा पा आ गोकुल में आया मथुरा में आ। उसके बाद फिर सेकंड है आ छवि प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा, सेम नोटेशन है छवि प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा। ठीक है, अब उसके बाद जो फिर लाइन है अगली, अरे सावरे फ्री आलाप है, अरे सावरे मामा 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 पद पम ग, अरे सावरे देख आके जरा, मामा 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 गामा पामा गा। ठीक है, उसके बाद सुनी सुनी पड़ी है तेरी द्वारिका, सुनी सुनी पड़ी है तेरी द्वारिका, पा पा धा पा मा मा पा गरे गरे सा सा, पा पा धा पा मा मा पा गरे गरे सा सा, सुनी सुनी पड़ी है तेरी द्वारिका, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। इस तरह से आप इस भजन को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी, कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कीजिए आप प्रैक्टिस, मनाइए जन्मोत्सव मेरे कन्हैया जी का, ठाकुर जी का, और लीजिए आनंद। इसी विश के साथ आपसे विदा लेता हूँ, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।